सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपके साथ ये बहुत ही प्यारा सा बेबी फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। और ये मैंने एक स्क्रैच से बनाया हुआ है। सो ये मुझे बहुत ही पसंद आया था और ये मैंने 2 ईयर बेबी गर्ल के लिए बनाया है। सो इसकी कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही ईजी है, डिटेल में मैंने बताया है और बहुत कम कपड़े में ये बन जाएगा। सो होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो ना, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ये रही मेज़रमेंट। और इसके लिए मैंने ना जो फैब्रिक यूज़ किया है, प्योर कॉटन फैब्रिक मैंने लिया हुआ है। और ये ज़्यादा नहीं है, 80 सेंटीमीटर ही है। इसमें इजीली आपका ये फ्रॉक बन के रेडी हो जाएगा अगर ये मेज़रमेंट आप यूज़ कर रहे हो तो। तो ये जो फैब्रिक है ना, इसे मैंने इस तरह से लेंथ वाइज 2 फोल्ड कर लिया है। अभी सबसे पहले हमें जो अपना फ्रॉक का टॉप पार्ट होता है ना, वो कट करके निकाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, इस तरह से इसकी जो लेंथ है, जो टॉप की लेंथ है, यहाँ पे मैं लूँगी 18.5 इंच। हाफ इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा, टॉप जो रेडी होगा वो 8 इंच का होगा। तो 18.5 इंच पे इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है और इसके बाद इसकी कटिंग कर लेनी है। सो प्रॉपर जो टॉप की कटिंग है वो मैं आपको आगे बताऊँगी। पहले जो अपनी स्कर्ट वाला हिस्सा है वो सारा कुछ हम निकाल लेते हैं, फिर टॉप की कटिंग करेंगे। और अब जो ये फैब्रिक है ना, इस तरह से इसे कम कर लेना है। और नीचे भी हमारा एक लेयर लगा हुआ है फ्रिल का, तो इसके लिए ना हम यहाँ पे इसकी लेंथ ले रहे हैं 18.5 इंच, जो हमारा नीचे स्कर्ट बनेगा। सो इसके घेर के लिए ना मैं ये 30 इंचेस का ले रही हूँ, ठीक है। तो 30 इंचेस पे हम कट कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो हमारा आगे पट्टी वगैरह में काम आएगा। इस तरह से इसे 2 पीसेस में कट कर लेना है, फ्रंट और बैक पार्ट के लिए। अब इससे जो हमारा ये बचा हुआ फैब्रिक है ना, नीचे की जो फ्रिल बनने वाली है वो हम कट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार मापी ले ले रही हूँ। ये हम ले रहे हैं 3 इंचेस का, 3 इंचेस करके हमें यहाँ पे यहाँ 3 पट्टी कट कर लेनी है। और ये जो हमारा पट्टी है वो हम कट करके हटा लेते हैं। तो इस तरह से ना हम इसे फोल्ड कर लेंगे ताकि हमारी कटिंग बिल्कुल सीधी हो। 3 इंचेस का हमें 3 पीसेस कट कर लेना है। और ये जो एक छोटा सा स्ट्रेप हमारा बच रहा है ना, इससे हम इसकी जो डोरी है जो हमारी वेस्ट पे लगेगी वो हम तैयार कर लेंगे। तो ये हमने कट कर लिया, ये हमारा ऊपर का स्कर्ट। और अब बारी है टॉप की, तो चलिए टॉप कट कर लेते हैं। बिल्कुल इसे पूरा खोल लेना है, फ्रंट और बैक अलग अलग कट होगा। तो पहले फ्रंट को कट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने इसे 6 इंचेस का लिया है। ऊपर हमें ले लेना है 4 इंचेस शोल्डर के लिए, और यहीं से हम 4.5 इंच ले लेंगे आर्म होल के लिए। इस तरह से मार्क करके यहाँ पे हमें कर्व शेप डाल देना है। अब हम यहाँ पे फिटिंग लेंगे, तो फिटिंग तो हमारा आएगा 20 को डिवाइड करेंगे 4 से तो आएगा 5 इंच, बट हाफ इंच मैं बढ़ा के ले रही हूँ। एक तो कॉटन है, धोने पर ये थोड़ा चढ़ेगा और थोड़ा सा लूज़ ही अच्छा लगता है, क्योंकि पीछे तो डोरी रहेगी। अगर फिटिंग के अकॉर्डिंग आपको डोरी बांध सकते हो। नेक विड्थ मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1.75 इंच और लेंथ वाइज 4 इंच रख रही हूँ फ्रंट के लिए। इस तरह से इसकी कटिंग कर लेना है। और हमने साइड की मार्जिन बिल्कुल 1/2 इंच ही रखी है। अब हम जो बचा हुआ फैब्रिक है ना, इसे वापस से 2 फोल्ड कर लेंगे और इसे बैक साइड निकालेंगे। तो बैक में हमने बटन लगाना है, तो किसी भी एक साइड से आप इस तरह से 1/2 इंच पर मार्क कर लीजिए। और इसके बाद इस तरह से इसे बैठा करके फ्रंट को बैक में बैठा करके और जैसा है ना वैसे ही कट कर लेना है। तो मैं ये खुला हुआ साइड से कट कर रही हूँ, उस साइड पे भी मैंने देखिए 1/2 इंच का मार्जिन रख लिया है। और इस साइड से इसलिए कट नहीं किया ना, ये जॉइंट है तो ये हमारा पट्टी में काम आ जाएगा। तो ये 1/2 इंच को हम यहाँ पे वापस से मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद बैक जो नेक हम रखने वाले हैं ना, वो 2 इंच का रखने वाले हैं लेंथ वाइज, मार्क कर लेंगे और इसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। सो इस तरह से फ्रॉक की जो हमने पीसेस कट की है, आप चलिए इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो पहले हम टॉप पार्ट का जो फ्रंट हिस्सा है ना, उसे रेडी करेंगे। तो यहाँ सेंटर पे मैं एक मार्क लगा ले रही हूँ। और यहाँ पे ये वाला जो कॉटन लेस होता है ना, वो यूज़ करने वाले हैं हम, क्योंकि हमारा स्क्रैच में था। तो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन है मेरे पास, और इसे हम इस तरह से माप लेंगे। और यहाँ पर मैं इसकी 2 पीस में लगा रही हूँ, क्योंकि हमें थोड़ा सा चौड़ा हमें बढ़ाना है। तो इसे ना एक पे एक रख करके सेंटर पे इस तरह से सिलाई कर लेंगे।
सेंटर पे सिलाई कर लेने के बाद ना मैं यहाँ पे एक और लेस यूज़ करूँगी साइड पे, दोनों साइड पे यूज़ करूँगी। पतला सा लेस है वो और उसका डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट है तो देखने में भी अच्छा लगेगा। और इस लेस को ना ये देखिए इसके अंदर से हम इस तरह से बैठाते हुए सिलेंगे। हमें लेस को इस तरह से बैठाना है ना तो लगे एक ही लेस है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसी तरह से लेस को लगा रही हूँ। अब इसे दूसरे साइड से भी सिल लेंगे और यही पतले वाले लेस को मैंने दूसरे वाले साइड पे भी सिलाई किया है, ठीक है। तो देखिए हमारा कितना अच्छा सा चौड़ा सा हमारा बॉर्डर मिल जाता है यहाँ पे। ये अच्छे से रेडी हो चुका है। अब जो हमने कट किया था फैब्रिक, इसमें से ये छोटी सी पीस बची हुई थी जिससे हम नेक रेडी कर लेते हैं। तो इसे सीधे साइड पे बैठाना है। बैठाने के बाद यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं सिलना और अपने नेक को यहाँ इससे सिलते हुए कवर कर लेंगे। सिल लेने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे और जो दोनों साइड की कोन है ना वो हम यहाँ पे कट करेंगे। ध्यान देना है कि हमारी सिलाई वो कटनी होनी चाहिए। और इसके बाद ये जो हमारा फैब्रिक है ना इसे हम पलटेंगे उल्टे साइड पे और इसी तरह से इस पर बैठाते हुए हम यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से रेडी हो चुका है नेक हमारा। अब बैक साइड को भी हम रेडी कर लेते हैं। ये हाफ इंच का जो मार्जिन लिया था इस तरह से मैं नाखून के अल्स में मार्क लगा ले रही हूँ। अब हमें पहले नेक को रेडी कर लेना है। तो ये पट्टी मैंने ली हुई है, इसी से हम नेक रेडी करेंगे। हम सीधे साइड पे ये पट्टी को बैठा करके ऊपर हम अपने मेन फैब्रिक को रखेंगे और जिस तरह से हमने फ्रंट की नेक रेडी की ना वैसे ही हम इसे भी रेडी कर लेंगे। सेम ऐसे ही हमें दोनों जो हमारा पीसेस है ना बैक साइड के लिए दोनों को रेडी करना है नेक को। ये देखिए अच्छे से रेडी कर चुका है हमने। अब यहाँ जो हाफ इंच का मार्जिन लिया ना यहाँ हम पट्टी लगाएंगे बटन की और उसके कांच की। तो ये पट्टी जो मैं लगा रही हूँ ये कांच की पट्टी रहने वाली है। तो ऊपर हमने थोड़ा सा मार्जिन रे लिया है और हम अब यहाँ पर जो लाइनिंग हमने दी है ना मार्जिन उसी मार्जिन पर सिलाई करेंगे। अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा हाफ इंच का मार्जिन रख करके इस पट्टी को हम इस तरह से अंदर की साइड में इस उल्टे साइड पे फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो ये हमारी हो गई कांच की पट्टी। अब चलिए हुक की पट्टी लगाते हैं। तो ये हुक की पट्टी के लिए हमने ये पट्टी लिया हुआ है और इसे हम उल्टे साइड से सिलना स्टार्ट करते हैं। नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं हमने इसे सिलना और इस तरह से जो सिलाई हमने यहाँ पे लिया हुआ है उसे अच्छे से बैठाते हुए सिलना है। यहाँ भी हम ऊपर की साइड पे हाफ इंच का मार्जिन दे देंगे बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। अब देखिए ये पट्टी किस तरह से बैठता है इस तरह से। तो इसे ना हम उल्टे साइड पे इस तरह से सेट करके पहले ऊपर जो हमारा मार्जिन है ना यहाँ पर बिल्कुल बराबर करके हमें सिलाई कर लेना है। अब एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर लेंगे और अब हम इसे सीधे साइड पे पलट लेंगे। कोन को निकाल लीजिएगा अच्छे से और अब हम यहाँ पे जो सिलाई हमने किया है ना उसी सिलाई पे बैठाते हुए इस पट्टी को सिलना है। तो ये हमारी हो गई, यहाँ पे बटन लग जाएगी पट्टी में। तो दोनों हमारे पट्टी अच्छे से रेडी हो गई। ये एक पे एक इस तरह से बैठेगा और यहाँ नीचे की साइड को ना सिलाई कर लेना है। इस तरह से हमने इस पर सिलाई कर लिया, ऊपर मैंने ना पिनअप कर लिया है। अब यहाँ पे दोनों फ्रंट और बैक को मिलाना है, शोल्डर की सिलाई कर लेनी है। तो एक पैर का मार्जिन देते हुए शोल्डर की सिलाई कर लीजिएगा। शोल्डर की सिलाई हो जाने के बाद अब जो नीचे की जो हमने प्लीट स्कर्ट कट की थी ना वो हम यहाँ पे बैठाते हुए इस तरह से छोटे छोटे चून बनाते हुए स्कर्ट को यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए सेम ऐसे ही हम दूसरे साइड की स्कर्ट को भी रेडी कर लेंगे। ये देखिए दोनों साइड की स्कर्ट सेम ऐसे ही रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे आर्म होल की बारी है। तो यहाँ पे मेरे पास सीधी पट्टी ही थी, उरे पट्टी कट करने के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं था तो मैंने एकदम पतला सा पट्टी कट किया है और इस पट्टी को ना इस तरह से सीधे साइड पर बैठाते हुए स्टिच कर लेना है।
तो अगर आप सीधी पट्टी लगा रहे हो तो ज़्यादा चौड़ा पट्टी नहीं लीजिएगा, क्योंकि वो फिर आपका कपड़ा में फिनिशिंग नहीं आएगा। यहाँ मैंने लगभग 1 इंच का पट्टी लिया है, और इस तरह से सिलने के बाद ना यहाँ पे अंदर में कट डालने के बाद अब हम इसे उल्टी साइड पे पलटते हुए इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई कर लेंगे। इस तरह से सिलने से ना यहाँ पे आप देख सकते हो कि कहीं भी फैब्रिक हमारा मुड़ा नहीं है और बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया ये। अब इसके बाद हम इसमें फिटिंग की सिलाई दे देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा मार्जिन तो नहीं दिया था, 1/2 इंच का मार्जिन दिया था, और साथ ही मैंने ना ये पतली सी स्ट्रेप रेडी की है दोनों साइड के लिए, जो हम यहाँ पे जो सिलाई हमने किया है ना उसके ऊपर थोड़ा बैठाते हुए इस तरह से रेडी करेंगे। तो इसमें हमने फिटिंग की सिलाई दे दी है। अब बारी है नीचे की साइड की, जो हमने फ्रिल लगानी है उसकी। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक का 3 पीस में कट किया था, तीनों पीस को हम यहाँ पे पहले ज्वाइंट कर लेंगे। ज्वाइंट कर लेने के बाद हमें ना यहाँ पे एक बड़ी वाली नीडल मैं ले रही हूँ, उसी के हेल्प से इसमें हम छोटी छोटी प्लीट्स इस तरह से रेडी करते हुए जाएंगे। ये देखिए, और अब बारी है इसे अपनी फ्रॉक में लगाने की। तो यहाँ पे हमें फ्रॉक को लेना है सीधे साइड को, किसी भी कहीं से भी आप यहाँ स्टार्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, और ना पहले आपको थोड़ा सा मार्जिन छोड़ देना होगा, उसके बाद लगभग आप 1 इंच मार्जिन छोड़ करके फिर आप सिलना स्टार्ट कीजिए इसे, क्योंकि अभी तो हमें पता नहीं है कि फैब्रिक हमारा बड़ा होगा छोटा होगा। तो इस तरह से सिलते हुए मैं आऊँगी। यहाँ पे मैंने थोड़ा जो फिल बनाया है ना वो हमारा यहाँ पे बड़ा ही हो गया है, तो एक्स्ट्रा कपड़े को ना मैंने कट कर लिया है। और अब यहाँ पे जो भी हमारा मार्जिन है ना उसे मिलाते हुए हम यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। और दोनों साइड पे मैंने 1-1 इंच पहले ही सिलाई को रोक दिया था, तो अब हम इसे बैठा लेंगे। बैठाते हुए इस तरह से जो मार्जिन हमने छोड़ा था वो हम स्टिच कर लेंगे। और सबसे एंड में हमें क्या करना है, नीचे की साइड को फोल्ड करके सिलाई करना है। तो यहाँ पे मैं पिको वाला फुट की हेल्प से सिलाई करूँगी, क्योंकि उसकी हेल्प से जब आप सिलोगे ना, मतलब फोल्ड करोगे ना फैब्रिक, तो एकदम फिनिशिंग से एकदम पतली सी फोल्ड होगी फैब्रिक। पिको फुट मैंने लगाया है, लेकिन सिलाई को मैंने सीधा ही रखा है, तो सीधी सिलाई ही इस पर लगाइएगा, बहुत ही अच्छा सा फिनिशिंग आएगा। और बस ये फ्रॉक आपका बन के रेडी हो जाएगा। सो ये कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कोई भी डाउट होता मुझे कमेंट पे पूछ सकते हैं, और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।